सरकारी राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाता है, लेकिन राशन वितरण की प्रक्रिया बाधित होने लगी है। राशन डीलर्स का आरोप है कि विभाग ने बायोमेट्रिक मशीन के लिए जरूरी चार्ज नहीं करवाया। मंत्री रेखा आर्य ने मामले का संज्ञान लिया, जल्द से जल्द राशन डिलीवरी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। डीलर्स का चूंकि मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ है, ऐसे में राशन वितरण प्रणाली जो है वो बाधित हो रही है। आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने संज्ञान लिया। दरअसल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद राशन मिलता है, लेकिन डीलर्स का मोबाइल रिचार्ज नहीं है, जिसकी वजह से राशन वितरण प्रणाली बाधित है। जो डीलर्स हैं उनमें काफी आक्रोश है, आंदोलन की तैयारी वो कर रहे हैं, क्या कुछ वजह जो है? देखिए, बायोमेट्रिक व्यवस्था अपने आप में जीरो भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था लागू की गई है। बायोमेट्रिक व्यवस्था के तहत में यह फायदा होता है कि जितना राशन उसको अलॉटेड होता है पर्टिकुलर, उतना ही राशन उसको अलॉट होता है, उसके थंब के साथ में अलॉट होता है, जो कि मैं समझती हूँ उसकी एक अपनी यूनिक आईडी होती है। इस व्यवस्था में कई अपने जनपद जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस कर रखी है, लगभग 80% तक में भी, 75% तक में भी पूर्ण हुआ है। पहाड़ी जनपदों में अभी संपूर्णता नहीं आ पाई है, उस और हम लोग बढ़ेंगे।